सत्यम पटेल अपना पहला और इस इनिंग का पहला ओवर फेंकेंगे। दोनों ही टीम काफी बढ़िया है, उम्मीद है दोनों के मध्य अच्छा मैच होगा। सत्यम पटेल पहला ओवर फेंकेंगे रवि राजपूत को। हेलो, मैं एलए शूटर के कप्तान अंकुर कश्यप से निवेदन करता हूं कि वो एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स पे भेजे। काफी अच्छी बॉल, संभवतः ये काफी बाहर थी, अंपायर ने उस बॉल को वाइड करार दिया है। इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 1 रन बिना कोई विकेट। संभवतः एलईडी वालों से निवेदन है स्कोर बोर्ड चलाएं। काफी अच्छी बॉल, पूरी तरीके से बैट्समैन बीट हो गए। इसी के साथ टीम का स्कोर 2 रन बिना विकेट कोई खोए।
की ओर से दूसरा ओवर संजय शुक्ला फेंकेंगे, प्रहरक छोर पे है रवि राजपूत। बैट का अंदरूनी भाग लेते हुए विकेट कीपर के पीछे से बॉल निकल गई और इसी के साथ दो रन पूरे कर लिए रवि राजपूत ने। इस दो रन के साथ टीम का स्कोर 16 रन, कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं। मैं एजाज भाई से निवेदन करूंगा कि वो मंच के समक्ष उपस्थित होकर कमेंट्री का दायित्व संभाले। काफी खूबसूरत शॉट और एक खूबसूरत शॉट हाथ सीधे हाथ में चले गई थी, लेकिन सचिन यादव के द्वारा कैच ड्रॉप कर दिया गया है और रवि राजपूत को एक जीवन दान प्राप्त हुआ है। खूबसूरत बॉलर के सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन सचिन के द्वारा मारा गया। आज के मैच का यह पहला सिक्स है बॉलर के सर के ऊपर से, देखने में काफी सुंदर आकर्षक था यह शॉट। इस छक्के के साथ टीम का कुल स्कोर 23 रन बिना कोई विकेट गंवाए। सिंगल लेने का प्रयास, बॉलर अपने फॉलो थ्रू में बॉल को कलेक्ट किए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बेहतरीन मिड विकेट के ऊपर से शॉट सचिन निधि के द्वारा लगाया गया, यह शॉट सीधा आयोजन समिति के मंच पर आके गिरा है। बॉल काफी लंबा शॉट था, काफी खूबसूरत
बॉलर को सम्मान देते हुए रवि। एसजेडी अपने मेन बॉलर का इस्तेमाल यहां पे निश्चित तौर पे विकेट लेना चाहेंगे, किसी भी तरह इस पार्टनरशिप को तोड़ना चाहेगी एसजेडी। पटकू ही गेंद, गजब फील्डिंग किया। बॉलिंग में वेरिएशन लाते हुए शुभजीत। पूरी तरीके से दब गई बॉल, बैट्समैन हैरान, क्या ये वैलिड बॉल थी कि नहीं। बाहर मानना चाहते थे इस बॉल को, लेकिन बीट हुए पेस से। अब तक शुभजीत ने रोक के रखा है बैट्समैन को। इस बार कनेक्ट किया है बॉल को, देखना है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, चार रन रोकने में कामयाब फील्डर, एक ही रन मिलेगा। बहुत अच्छी फील्डिंग की अमन ने, तीन रन रोका अपने टीम के लिए। बहुत ही अच्छा ओवर साबित होता हुआ एसजेडी के लिए। बोल्ड किया, ब्लॉक होल में डाल के आते ही चलता किया सचिन को। ये ना कई बॉल बहुत तेज डालता था। बहुत ही घातक प्लेयर को आउट किया है शुभजीत ने। 10 बॉल पे 30 रन बना के पवेलियन लौटते सचिन, अपना काम बखूबी निभाया इन्होंने। शुरू के 3 ओवर में बढ़त देते हुए अपनी टीम को, बहुत ही शानदार बैटिंग। रवि रजक अगले बॉलर, सामना करेंगे रवि। 3 ओवर 37 रन 1 विकेट पे खेल रही है एली शूटर। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन पेस वेरिएशन से बीट हुए रवि। निश्चित तौर पे सचिन के जाने के बाद अब उन पे जिम्मा है बड़े शॉट्स खेलने का। जोर से मारा है, देखना है। निश्चित तौर पे 4 रन, कुछ ही सेकंड लगे बॉल को बाउंड्री तक पहुंचने के लिए। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। निश्चित तौर पे दूसरे रन के लिए आना चाहेंगे लेकिन दोनों ही बैट्समैन ने मना किया। सुमित जो कि बहुत ही तेज फील्डर है और बहुत ही अच्छे योगा टीचर है, इंटरनेशनल योगा टीचर। अरे यार भैया, आप अलग दुनिया में रह रहे हो यार। फ्लिक किया है सिंगल के लिए, सीधा फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी रवि रजक को अगर सिर्फ एक ही बाउंड्री आती है इस ओवर में।
बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन लेग साइड पे देखना होगा दूसरे रन के लिए आते हैं कि नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग संजय के द्वारा। कोई रन नहीं, अच्छा इकोनॉमिक ओवर। चार ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन एक विकेट के नुकसान पे एलआई शूटर बड़े ही कंफर्टेबल पोजीशन पे खेल रही है। निश्चित तौर पे कम से कम 110 रन का टारगेट देना होगा, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े बल्लेबाजों के साथ एसजेडी की टीम। अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं सत्यम। सम्मान देते हुए बॉल को एक रन के लिए आना चाहते थे, लेकिन रवि ने मना किया। बहुत ही समझदारी से दोनों बैट्समैन, बहुत ही अच्छा तालमेल। करंट रन रेट 10 का और प्रोजेक्टेड स्कोर 103। लोअर फुल टॉस बॉल को उठा के खेला है, सीधा फील्डर के हाथों में, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। फायदा नहीं उठा पाए, शायद वो फुल टॉस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कोई परेशानी नहीं होगी एसजीडी को इन सिंगल से। हल्का सा फ्लिक किया, फील्डर चुस्त, लेकिन एक रन चुराने में कामयाब। नो मैन्स लैंड में ये कैच निश्चित तौर पे आराम से 2 रन हो सकता था। कहीं ना कहीं इस टीम के कैप्टन को लगता था ये भी के कैच हो सकता था। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, सीधा फील्डर के हाथ में, एक ही रन ले पाएंगे। ओवर की आखिरी गेंद पूरी तरीके से बीट हुए, लेकिन बाई में एक रन मिलेगा। कीपर ने बड़े एफर्ट लगा के इस बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन एक विकेट के नुकसान पे, और ये है हमारा डिंग्स ब्रेक।
प्यारे सुधांशु अपने पेस वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं। ये बेहतरीन गेंदबाज फील्डिंग को लेकर थोड़े चिंतित, सामना करेंगे विवेक सोनी। निश्चित तौर पे वाइड होगा, वाइड से ओवर की शुरुआत। फुल टॉस का 6 रन। एम्पायर से क्वेरी करते हुए वेस्ट लाइन के ऊपर की अपील, एम्पायर सहमत नहीं। वाइड के शुरुआत के बाद बहुत ही बड़ा झटका बॉलर को। बड़ा कैच छोड़ा है ये विवेक सोनी का, बहुत ही आसान सा कैच। दोनों ही बल्लेबाज को एक एक जीवनदाज मिल चुका है और जैसा कि कहा जाता है कैचेस विन मैचेस। बोल क्या इन्होंने, फुल टॉस सीधे जाके जड़ पे लगी, बहुत ही बड़ा विकेट लेते हुए सुधांशु बहुत ही खुश। इसी के साथ 5 ओवर 3 गेंद के बाद 56 रन पे 2 विकेट। अगला बैट्समैन आ रहे अंकुर, सोची समझी पारी के लिए जाने जाते हैं अंकुर। रनों के साथ विकेट का सिलसिला भी बढ़ता हुआ। सुधांशु ने कहा कैच छूट जाए मेरे ओवर में लेकिन मैं बोल्ड करके विकेट ले सकता हूं। सुधांशु ऑन फायर, वाइट बॉल, बेहतरीन पेस लेकिन दिशाहीन। कट किया बॉलर से मिसफील्ड और निश्चित तौर पे 4 रन मिलेगा। सुमित जो कि एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल योगा इंस्ट्रक्टर है उनसे ये उम्मीद नहीं थी। सुधांशु निश्चित तौर पे अपने टीम की फील्डिंग से बड़े ही निराश होंगे। बढ़िया स्ट्रोक, कोई फील्डर नहीं, आराम से 2 रन ले सकते हैं, 2 रन पूरा करेंगे।
फिर से एक वाइड। चौसठ रन में 6 एक्स्ट्रा दे चुके हैं अभी तक एसजेडी की टीम। फिर से एक वाइड, दोनों तरफ वाइड बॉल फेंकने के बाद अब देखना है कहां फेंकते हैं सुधांशु। ओवर की आखिरी गेंद, 65 पे 2। नो बॉल, फ्री हिट मिलेगा निश्चित तौर पे। बहुत ही अच्छा ओवर जा रहा था अब तक। जोर से मारा लेकिन सीधा फील्डर के हाथों, कोई रन नहीं। छियासठ रन पे 2 विकेट के नुकसान पे खेल रही है एली शूटर 6 ओवर की समाप्ति पे। अच्छा रन रेट मेंटेन किया है अब तक, मात्र 4 ओवर बचे हैं। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, बहुत ही लंबे कदमों के साथ दौड़ा लेकिन सुमित रोक नहीं पाए। बहुत ही चालाकी से 4 रन चुराया है एसजेडी अपने मेन बॉलर का इस्तेमाल करते हुए। शुभजीत, फील्ड में परिवर्तन बबलू सर्कल के अंदर। पूरी तरीके से बीट हुए, बहुत विवेक सोनी बड़े स्ट्रांग बिल्टअप लेकिन निश्चित तौर पे बॉल बड़े तेजी गति से उनको लगा है जाके। उठा के खेला है नो मैन्स लैंड में, देखना है 4 रन जाता है कि नहीं। फील्डर ने पकड़ा, दूसरे रन के लिए रोका है अंकुर ने। निश्चित तौर पे आसानी से 2 रन पूरे हो सकते थे। सातवां ओवर, 3 बॉल शेष इस ओवर की, सामना करेंगे अंकुर। पटक के खिलाया है बाउंसर के लिए लेकिन वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। अपने पेस से परेशान करके रखा है शुभोजीत ने बैट्समैन लोगों को। फिर से पटकी हुई गेंद, आसानी से सिंगल चुराया है बड़े, और ये ओवर थ्रो होता हुआ। 3 फील्डर लगे इस बॉल को रोकने के लिए। सचिन का थ्रो बड़े ही ताकत के साथ फेंकते हैं वो स्टंप की तरफ। कौन
निश्चित तौर पे दिशाहीन बॉल वाइड है, दिक्कत है। फुल टॉस बॉल उठा के खेला है लेकिन फायदा नहीं उठा पाए इस फुल टॉस बॉल का। ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे विवेक। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन रेंज के बाहर, वाइड का इशारा। बहुत ही अच्छी कीपिंग कैप्टन के द्वारा। निश्चित तौर पे पंजा रोका है अपने टीम के लिए। इसी के बीच बबलू भागते हुए स्टंप के पीछे से। बहुत ही बेहतरीन शॉट, क्या क्लासिकर स्क्वायर कट मानते हुए विवेक सोनी प्रूफ किया है अपने टीम के लिए बेहतरीन बैट्समैन। बबलू को भड़क भी नहीं लगी बॉल कहां से निकली। 7 ओवर की समाप्ति पे 81 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एली शूटर अपने अगले 3 ओवर में कभी भी पावर प्ले का इस्तेमाल कर सकती है। अभी आना शेष। बॉलिंग की कमान संभालने आ रहे हैं रवि रजक। अंकुर सामना करेंगे रवि रजक का। मात्र 3 ओवर शेष, देखना है कितना बड़ा लक्ष्य दे पाती है एली शूटर। वाइट बॉल का इशारा, खाता खोला वाइट बॉल के साथ। हल्के हाथों से खेला है, 1 रन चुना में कामयाब। उठा के खेला है बहुत ही बड़ा 6 रन। विवेक सोनी 13 मात्र 13 बॉल का सामना करके 25 रन के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं। बार बार उन्होंने प्रूफ किया अपने टीम के लिए कि वो कितने बड़े हिटर हैं। क्रूशियल मोमेंट पे आके बड़ी पारी खेलते हैं। मारा है शॉट बाउंड्री में, फील्डर के पास कोई मौका नहीं। मानो फील्डर पहले ही सोच चुके थे ये बॉल रुक नहीं सकती। रिवर्स खेलना चाहते थे और बोल्ड हुए, कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी ऐसे शॉट्स की। अक्सर देखा गया है विवेक सोनी और यथार्थ सिंह द्वारा ऐसे बेफिजूल रिवर्स शॉट खेल के आउट होते हुए।
अगले बैट्समैन ईश्वर जायसवाल पिछले मैच में बड़ा ही अच्छा, बड़े ही अच्छे शॉट्स लगाए थे। उठा के खेला है बड़ा शॉट, देखना है कैच ले पाते कि नहीं। और ये अटेम्प्ट नहीं किया फील्डर ने, चार रन, शायद थोड़े पीछे रहते तो ये कैच आ जाता। बड़े ही हैरान है सुधांशु। छह रन की अपील अली शूटर द्वारा, लेकिन ये चार रन आते ही अपना इरादा बताया, बोल किया है अगले ही बॉल में, चलता किया है। दो बार बेहतरीन वापसी करते हुए रवि रजक, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए। बड़ा ही अच्छा ओवर साबित होता हुआ एसजेडी के लिए, दो बड़े बैट्समैन को चलता किया है। बैटिंग की कमान संभालने आए हैं मयंक। स्ट्राइक लेने आए हैं अंकुर, सामना करेंगे सुधांशु की तेज गेंद का। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन, चार विकेट के नुकसान पे, करंट रन रेट 12 का है। ये दो ओवर अगर एली शूटर कन्वर्ट कर पाती है कम से कम 20 रन। आते ही वाइड से फील्डर कीपर सब हैरान, किस तरीके की बॉल थी ये। सुधांशु भी समझ नहीं पा रहे हैं कहां फेंकना चाह रहे थे, कहां गई बॉल। बिना बॉल किए इसी के साथ 100 रन का आंकड़ा पूरा किया है अली शूटर ने। नो बॉल होगा निश्चित तौर पे, उठा के खेला है और ये निश्चित तौर पे 6 रन। बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ, और मजे की बात यह है एक भी बॉल नहीं किया है बॉलर ने अभी तक। फ्री हिट, पटक के खिलाया है लेकिन घूम के मार दिया है चार रन की तरफ। फील्डर बहुत तेज लेकिन बॉल तक पहुंच नहीं पाएंगे। अंकुर ऑन फायर, 113 रन पहुंच चुकी है अली शूटर, मात्र एक बॉल हुए है ये 90 ओवर का। फ्लिक किया है एक रन के लिए, बहुत ही अच्छी कीपिंग,
जितनी तारीफ की जाए कम। अपनी टीम के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए कीपर। पावर प्ले का ओवर बहुत ही अच्छा साबित होता हुआ है इस शूटर द्वारा। देखना है मयंक क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। सामना करेंगे सुधांशु की पेस बॉल का। जोर से मारना चाहते थे लेकिन सीधा सर्कल के अंदर, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन मयंक बहुत ही तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बॉलर की अच्छी वापसी इस बॉल द्वारा। सिंगल से कोई परेशानी नहीं होगी एसजेडी को। उठा के खेला है ओवर पिच बॉल को बहुत ही आराम से। ये 6 रन मारते हुए अंकुर, कोई तकलीफ नहीं हुई, एफर्टलेस 6 रन। बड़े ही क्लासिक बैटिंग करते हुए अंकुर, बहुत ही अच्छी टाइमिंग के साथ ये शॉट खेला है। निश्चित तौर पे थोड़े सलाह की जरूरत है सुधांशु को। इसी के साथ 120 रन का आंकड़ा पार किया है अली शूटर ने। बैट्समैन तैयार नहीं है। ओवर की 5वीं गोंद। स्क्वायर में खेलना चाहता था लेकिन वाइट का इशारा। किसी भी तरीके से बड़े हिट्स लगाने से रोकने होंगे सुधांशु को अपने इस ओवर को बचाने के लिए। खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए दूसरा रन लेने के लिए मना किया। इस ओवर के स्टार्टिंग में 100 रन भी नहीं बने थे और अब 123 रन बन चुका है अली शूटर का। ओवर की आखिरी गेंद लेके आ रहे सुधांशु, सामना करेंगे मयंक। बड़ा शॉट लेकिन फील्डर के हाथों में मिसकम्युनिकेशन होता हुआ और एक रन आउट। मयंक जो आपके खाने लायक होगा मेरा ही बैग है, आप जो खाओगे कुछ नहीं होगा इसमें। देख तो भाई एक बाइट तो तू ले ले बाकी। केक खाओगे? नहीं खाता भाई, वो मेरा है। ये भी है मेरा तो नीला हो गया एकदम। वेट जी वो माइक में गिर गया। आप वाला बैग ले लिए ना, संजय। ओवर की आखिरी ओवर एसजेडी की तरफ से ला रहे संजय शुक्ला। संजय शुक्ला एक उभरते हुए बॉलर इस टूर्नामेंट के, सामना करेंगे अंकुर। 123 रन बन चुके हैं ऑलरेडी एली शूटर के। टक्के खिलाया है आराम से 4 रन। फील्डर के पास कोई चांस नहीं। शॉर्ट बॉल का पूरा फायदा उठाते हुए बैट्समैन। बॉल की कंडीशन चेक करते हुए एम्पायर, बॉल को आज इतना पीटा गया है शायद उसका धागा खुल गया है।
हल्के हाथों से खेला है बबलू, फील्डर मौजूद लेकिन एक रन चुरा लिया है। अपनी सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं अंकुर, शांत दिमाग रखते हैं हर परिस्थिति में। 128 रन, घूम के खेला है, बहुत ही अच्छी कीपिंग, स्टंप में पड़ते तो निश्चित तौर पर रन आउट होता। कहां चार ओवर की तीन बॉल शेष, 130 रन का आंकड़ा छूने जा रही है ली शूटर। देख रहे हैं अब बड़ा शॉट खेल पाते कि नहीं अंकुर। बीट हुए, पूरी तरीके से बीट हुए, मना किया रन देने के लिए, लेकिन कोई भी फील्डर सही वक्त पे बॉल को उठा के रन आउट नहीं कर सका। और घनश्याम बड़े ही तेज, बिना कोई रन बनाए पिच में दो बार रनिंग कर लिए। अब तक इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर है 141। देखते हैं आज बनाया है डीजोरे ने वो रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, मिस किया लेकिन एक रन चुराने में कामयाब। एसजेडी को 10 ओवर में 132 रन बनाने होंगे, बहुत ही बड़ा लक्ष्य दिया है एली शूटर ने एसजेडी को इस मध्य रात्रि क्रिकेट में।
बाजू वाला इधर दाहिने तरफ ये हाँ राइट 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 और हाँ उसी वही देखना होगा एसजेडी किस तरीके से चेस कर पाती है इस बड़े लक्ष्य का मात्र 10 ओवर के गेम में। निश्चित तौर पे पावर प्ले का फायदा उठाना पड़ेगा एसजेडी को एक अच्छे स्टार्ट के लिए। ओपनिंग बैट्समैन आ रहे हैं दो घातक बल्लेबाज सुमित और सचिदानंद, दोनों अपने बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं किसी भी बॉलर को और बॉलिंग का खेमा संभालने आए हैं विवेक सोनी, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया है। एसजेडी को 60 गेंद में 132 रन बनाने हैं। कल मारे थे डीजोरे डीजोरे ए भैया नहीं भैया ये आप अलग दिए थे ना नहीं भैया वो पोजीशन पे डिपेंड करेगा ना टेबल की नेट रन रेट में। हां बहुत ही अच्छी गेंद सम्मान देते हुए कोई रन नहीं। बहुत ही अनुभवी बैट्समैन है सचिदानंद। बड़ा शॉट खेला है आते ही दिखा दिया उन्होंने 4 रन। आते ही सचिन ने अपना इरादा कर दिया है। बॉल के टप्पे को भापा है और निकल के मारा है ये जबरदस्त 4 रन। टीम्स के पास ऐसे ब्लास्टर बल्लेबाज होते हैं जो दोनों ने थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। फुल टॉस खेला है और सीधे बाउंड्री लाइन पे कोई रहम नहीं। तीन गेंद पे 8 रन पर पहुंच चुकी है एसजेडी। एक बार फिर से खेला है देखना है फील्डर रोक पाते हैं कि नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग
रवि द्वारा, दीप्तांशु द्वारा, माफ कीजिएगा, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। चाहे चौका पड़े या छक्का, मनोबल नीचे नहीं होता विवेक सोनी का। विवेक का सामना करेंगे सुमित, उठा के खेला है लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। निश्चित तौर पे फील्डर को बड़े ही सही जगह लगाया है और बड़े ही फुर्तीले फील्डर है विकास। फिर से खेला है, निश्चित तौर पे चार रन मिलेगा, फील्डर उसके पीछे भागते हुए चार रन। एसजेडी पहुंच चुकी है 14 रन। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया है दोनों बैट्समैन ने। सचिदानंद के शॉट्स के बाद आत्ममंथन करती हुई एली शूटर की टीम बॉलिंग का खेमा संभालने आए हैं। ईश्वर जायसवाल सामना करेंगे सुमित, बड़ा बहुत बड़ी अपील लेकिन एम्पायर को, एम्पायर ने नकारा, कोई एज नहीं। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे सुमित, चकमा दिया बैट्समैन को ईश्वर ने। उठा के खेला है, देखना है फील्डर कैच ले पाते हैं कि नहीं। बड़े आराम से ये कैच ले लिया विवेक ने और चलता किया है सुमित को एक रन के निजी स्कोर पे। ना खुश होंगे अपने बैट, अगले बैट्समैन आ रहे संजय शुक्ला। जो कि एक बाएं हाथ के बल्लेबाज है। एली शूटर वापस इस मैच में वापसी करती हुई एक बड़े विकेट के साथ। निश्चित तौर पे ऐसे बड़े विकेट्स लेने होंगे एली शूटर को, क्योंकि एसजेडी के ऐसे बड़े बैट्समैन ही टिकते हैं तो वो निश्चित तौर पे लक्ष्य को पालेंगे। फील्डिंग को चेक करते हुए बड़ी बारीकी से तौर पे फील्डिंग खेमे को तकलीफ होती है जब भी लेफ्टी और राइटी का एक कॉम्बिनेशन मैदान पे आता है। बड़ा शॉट खेला है, बहुत ही क्लासिक शॉट, लेकिन फील्ड पीछे फील्डर चुस्त। आते साथ ही संजय ने भी अपना इरादा दिखा दिया, शायद वो बैट बदलना चाहते हैं। सचिन सामना करेंगे ईश्वर का, सचिन के लिए फील्डिंग में तब्दीली।
पटकी बॉल उठा के खेला है, एक बहुत ही बड़ा कैच छोड़ा है ले शूटर के इस फील्डर ने। इतिहास गवा रहा है, जब भी सचिदानंद का कैच छूटा है वो मैच खत्म करके ही लौटे हैं। बड़ा ही अच्छा शॉट खेला है, देखते हैं फील्डर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग रवि द्वारा, चार रन रोका अपने टीम के लिए, मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक पे आ गए सचिदानंद, ओवर की आखिरी गेंद, 17 रन एक विकेट के नुकसान पे। उठा के खेला है बेहतरीन शॉट, सीधा सीमा रेखा के बाहर। सचिदानंद अपने आप को प्रूफ करते हुए कि वो किस लेवल के बैट्समैन है, बड़े ही आसानी से इस बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाया उन्होंने। आते ही उन्होंने बता दिया कि कितने बड़े प्लेयर का कैच छोड़ा है एलिस के फील्डर ने। दो ओवर की समाप्ति के बाद एसजेडी 23 रन एक विकेट के नुकसान। बैटिंग कर रहे हैं, मात्र 7 बॉल पे 20 रन बना चुके हैं अभी तक। फील्डिंग रिप्लेसमेंट, कौन है अगला बॉलर? बॉलिंग की कमान संभालने आए हैं मोहित, अपनी फिरकी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। सामना करेंगे संजय शुक्ला, बारीकी से फील्ड की सजावट को देखते हुए। पूरी तरीके से बीट हुए बैट्समैन, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। हटके खेला लेकिन बोल्ड हुए, चलता किया है मोहित ने संजय को, बहुत ही आसान सा विकेट देता है। इसी के साथ दूसरा विकेट गिरता हुआ एसजेडी का। अगले बैट्समैन है रवि रजक, सामना करेंगे मोहित का, कप्तानी पारी खेलनी होगी आज। निश्चित तौर पे एक रन और मिलेंगे अतिरिक्त, एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करना होगा इली शूटर को।
उठा के खेला है गगनचुंबी छक्का, बड़े ही आसानी से 6 रन। एसजेडी के हर एक बैट्समैन ने आते ही बड़े शॉट्स खेले हैं और आते ही इरादा दिखा दिया कि वो टूर्नामेंट से नहीं जाना चाहते। बहुत ही अच्छी फील्डिंग ईश्वर द्वारा, रिवर्स में दौड़ के बॉल को पकड़ा है, कम ही देखने मिलती है ऐसी फील्डिंग। बहुत ही अच्छा एज लगाया है, देखना है रोक पाते कि नहीं, और ये 4 रन। सम्मान देते हुए बहुत ही अच्छी फील्डिंग ईश्वर द्वारा, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को रन चुराने का है? स्कोरबोर्ड को अपडेट रखने, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे, और स्कोरबोर्ड को प्लीज अपडेट कीजिए, 23 रन पे ही रोक दिया है। अगला ओवर लेके आ रहे हैं ईश्वर जायसवाल, सामना करेंगे सचिदानंद। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, देखना है फील्डर रोक पाते हैं कि नहीं। 1 रन चुरा लिया है, 2रे रन के लिए दौड़ रहे बैट्समैन और आराम से 2रा रन पूरा किया है। रात के 1 बजे भी एली शूटर के फील्डर्स बिल्कुल ही चुस्त। शॉर्ट रन की अपील किया है फील्डर्स ने, शॉर्ट एम्पायर से पूछना होगा क्या ये एक शॉर्ट रन था, 1 ही रन शॉर्ट रन। उठा के खेला है बेहतरीन शॉट सीधा फील्डर के हाथों में, लेकिन मिसफील्ड, इस मिसफील्ड चलाना होगा। बॉलर के मनोबल को गिराते हैं ऐसे मिसफील्ड्स। स्कोर जा पहुंचा है 39 रन 3 ओवर 2 बॉल। वाइड बॉल स्टंपिंग करना चाहते थे सचिन, लेकिन बड़े ही तेज है सचिदानंद। ओवर की 3री गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन सर्कल के अंदर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं।
खेला है लेकिन मिस किया। निश्चित तौर पे आसान नहीं था ये कैच लेना, बड़े ही तेजी से फील्डर के पास से बॉल गया। सचिन के हर शॉट में वो पावर है जो सीधा बाउंड्री जा सकती है। सामना करेंगे रवि राजा ईश्वर का। हल्के हाथों से खेला है लेकिन सीधा फील्डर के हाथों। निश्चित तौर पे एली शूटर ने फील्डिंग कुछ इस तरीके से लगाई है कि ग्राउंडेड शॉट कई बार सीधा फील्डर के हाथों ही जाता दिखा है। ओवर की आखिरी गेंद, फिर से हल्के हाथों से लेकिन सीधा फील्डर के हाथों, कोई रन नहीं। बॉलिंग का खेला संभालने आए हैं अंकुर। सामना करेंगे सचिदानंद जो कि खेल रहे अपने निजी स्कोर 26 रन मात्र 11 बॉल पे। अगले 36 बॉल पे 91 रन बनाने पड़ेंगे एसजेडी को अपने जारी रखने के लिए। फुल टॉस बॉल लेकिन सीधा फील्डर के हाथों, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। फायदा नहीं उठा पाए इस फुल टॉस बॉल का सचिन। कोई परेशानी नहीं होगी एलिस को ऐसे सिंगल से। प्लेट किया सम्मान देते हुए अच्छी बॉल को रवि, अपने समझदारी सूझबूझ के लिए रवि। देखना है आज अपने टीम को अग्रिम बधाई आपको, अग्रिम बधाई। वाइट बॉल दिशाहीन, ब्लॉक ऑन बॉल लेकिन बहुत ही अच्छा शॉट खेला है सीधा फील्डर के हाथों। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा एसजेडी को। निश्चित तौर पे बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे सचिन। यहां से सामना करेंगे अंकुर का। कट किया है, मिस फील्ड किया। निश्चित तौर पे 4 रन। बहुत ही चालाकी से बैट को घुमाया है रवि ने। बहुत ही बेहतरीन शॉट, आत्मविश्वास से भरा हुआ ये शॉट। कुछ ही सेकंड्स लगे बॉल को बाउंड्री तक पहुंचने के लिए। जिस तरह से सचिदानंद खेल रहे हैं आज वही लगता है एली शूटर्स का सफर रोक सकते हैं आगे का।
फिर से एक फुल टॉस बॉल उठा के खेला है, निश्चित तौर पे 6 रन। बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ अली शूटर के लिए ये। अबे इसके पहले वाले मैच में जब भेजना चाहिए तो भेजे नहीं, जब ओपन सुमित को भेजना तो ओपन नहीं भेजे, सुमित खुद आ गए। मात्र 9 रन दूर है सचिन अपने अर्धशतक से और ये 41 रन इन्होंने बनाए हैं मात्र 15 बॉलों में। अगले 30 बॉल में 74 रन बनाने पड़ेंगे एसजेडी को ये मैच जीतने के लिए। निश्चित तौर पे सचिदानंद का सामना, माफ कीजिएगा, साथ देना होगा रवि रजक को। और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति पे ड्रिंक्स ब्रेक। तीस बॉल दरकार है 74 रन की। और मानना पड़ेगा एपीएल की कमेटी जो इतने मुश्किलों के बावजूद इतने कम समय में ये टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक करा रही है। कमिटी टीम के एक एक मेंबर इतनी देर रात तक भी सपोर्ट के लिए ग्राउंड में मौजूद। बहुत कम ही देखने को मिलता है कि इस लेवल का आयोजन किया जाता है। क्या बोल रहे सीनियर गेंदबाज आए हैं बॉलिंग का खेमा संभालने। टीम का 6वां ओवर लेकर विकास पांडे सामना करेंगे रवि। उठा के खेला है पहली बॉल 6 रन। रवि ने बता दिया मैं भी कम नहीं हूं गुरु। पहले ही बॉल में 6 रन मार के मनोबल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से मिस हुए। कीपर बहुत ही तेज, कोई मौका नहीं छोड़ते स्टंपिंग का। किसी भी तरीके से एली शूटर्स को बड़े शॉट रोकने पड़ेंगे। ओवर की तीसरी गेंद, फुल टॉस गेंद उठा के खेला है इस बार, देखना है रोक पाते कि नहीं विवेक।
चार रन, बहुत ही अच्छा एफर्ट दिखाया, लेकिन उससे भी अच्छा शॉट था बैट्समैन का। धीरे धीरे रनों का फासला कम करती हुई एसजेडी। फिर से खेला है बाउंड्री की तरफ, लेकिन फील्डर मौजूद, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। आगे बढ़ के खेला है बहुत ही सुंदर शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे रवि। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन एक मिस फील्ड हुई कीपर के द्वारा, फील्डर मौजूद, निश्चित तौर पे दो रन आराम से ले लेंगे। और ये एक वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन, इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 73 रन। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, फील्डर मौजूद, इसके साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद एसजेडी 74 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अगले 24 बॉल में 58 रन बनाने पड़ेंगे एसजेडी को। देखना है बॉलिंग का खेमा कौन संभालने आते हैं। अंकुर है अगले बॉलर। अंकुर का सामना करेंगे रवि। ओवर पारी का 7वां ओवर लेके आ रहे हैं अंकुर। देखना है कोई विकेट ले पाते हैं कि नहीं अपने टीम के लिए। फुल टॉस बॉल, आटे ही उठाया है, लेकिन विकेट दे बैठे। बड़ी ही ललचाई बॉल अंकुर ने, आते ही सफलता ली अपने टीम के लिए। ऐसे ही एक विकेट का कब से इंतजार था एली शूटर को। 23 रन पे चलता किया रवि रजक को, और बैटिंग का खेमा संभालने आए हैं देवर्षि ठाकुर। बैट्समैन की कोई कमी नहीं है एसजेडी राइजर्स में। बड़े कीमती 23 रन बना के लौटे हैं रवि रजक। बहुत ही अहम जगह पे 23 रन बनाए हैं ये। स्ट्राइक लेंगे देवर्षि ठाकुर, सामना करेंगे अंकुर का। आते ही बड़ा शॉट खेला है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग विकास द्वारा, 3 रन बचाए अपने टीम के लिए।
अंकुर का सामना करेंगे सचिन जो अपने निजी स्कोर 42 रन पे खेल रहे हैं। आगे बढ़ के मारा है इस बॉल को, देखना होगा फील्डर पहुंचते कि नहीं। 6 रन, सचिन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मात्र 17 बॉल पे 48 रन, ध्वस्त कर दिया है हर एक बॉलर को सचिन ने अली शूटर के। वो कैच कहीं महंगा ना पड़ जाए अली शूटर को आज। फील्डिंग में तब्दीली, फिर से खेला है एक और बड़ा शॉट, 6 रन। एसजेडी को एक ऐसे ही पारी की आवश्यकता थी और इसी के साथ 50 रन पूरे किए सचिदानंद ने मात्र 18 गेंदों पे, 6 चौके और 4 छक्कों के साथ। अगले 20 बॉल पे 45 रन चाहिए और जिस तरह से सचिदानंद खेल रहे कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। ये एक बार फिर से खेला है ब्लॉक होल पे बॉल, अपील किया है एम्पायर को कि कैच आउट है। बढ़िया वापसी की अंकुर ने अपनी बॉलिंग के साथ। और गेम खिलाया, बीट किया अपने पेस से बैट्समैन को। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 87 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अगले 18 बॉल पे 45 रन चाहिए एसजेडी को। कहीं ना कहीं एसजेडी को अगले 3 ओवर में एक बैटिंग पावर प्ले भी ले सकती हो जब चाहे। गहरी मंथन करती हुई अली शूटर की टीम, अगली बॉलिंग किसको दी जाए, कौन है जो सचिन की इस पारी पे रोक लगा सकता है। बॉलिंग का खेमा संभालने आ रहे हैं दीप्तांशु, सामना करेंगे देवर्षि ठाकुर। आप और विजय उठा के खेला है पहली बॉल, देखना है कैच ले पाते कि नहीं, लेकिन कीपर और फील्डर से काफी दूर। बहुत अच्छा अटेम्प्ट लगाया था सचिन ने, लेकिन एक जीव हुआ बैट्समैन को। स्ट्राइक पे आ चुके हैं अब सबके चहेते बैट्समैन सचिदानंद। फुल टॉस बॉल उठा के खेला है, 6 रन। कोई रहम नहीं किसी बॉलर पे, कोई रहम नहीं।
नो मैन्स लैंड पे गिरता हुआ ये कैच, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। कट लगा बैट्समैन के द्वारा, इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 95 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 3 बॉल आनी शेष इस ओवर की, अगले 15 बॉल में 37 रन चाहिए। फुल टॉस बॉल, 6 रन और साथ में मिलता है नो बॉल का टॉप अप। रिव्यू लिया है इस नो बॉल का, फैसला दे दिया क्या? नो बॉल तो नहीं है। एम्पायर का फैसला सुरक्षित, नो बॉल। फ्री हिट, उठा के खेला है सीधा फील्डर के हाथ में, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। विवेक सोनी तैनात, फिर से एक फुल टॉस, उठा के खेला है लेकिन फील्डर मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग रवि द्वारा। 4 रन रोका है, मात्र 1 रन ही चुरा पाए बैट्समैन। वाइड बॉल के सारे एम्पायर का, इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 105 रन। सामने है देवाशीष ठाकुर, देखना है क्या कमाल दिखाते हैं अपने टीम के लिए। और पिच गेंद खेला है मिड विकेट की दिशा में, 1 रन से ही होना पड़ेगा संतुष्ट। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बारह गेंदें बाकी, 26 रन बनाने होंगे जीत के लिए एसजेडी को। देखना है 12 गेंदों में यह 26 रनों का लक्ष्य किस तरह पूरा करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। पिच पर हैं एसजेडी के ओपनर बल्लेबाज सचिन, बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करेंगे इस ओवर में देवाशीष ठाकुर और सचिदानंद। देखना होगा इस बैटिंग पावर प्ले का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सामने है सबसे सफल गेंदबाज
विवेक सोनी, जिसका सामना करेंगे देवाशीष ठाकुर। मैच की आखिरी 12 गेंदें फेंकी जानी शेष। इन 12 गेंदों में बनाने होंगे जीत के लिए 26 रन। देखना है किस तरह इस लक्ष्य का पीछा करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। काफी सजे हुए बल्लेबाज हैं, लेकिन उतने ही सजी गेंदबाजी करने के लिए माहिर विवेक सोनी। एसजेडी की सारी निगाहें इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। विवेक सोनी सामना करेंगे देवाशीष ठाकुर। काफी अच्छी फील्ड की सजावट करते हुए लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट कवर फाइन लेग। और देखे तो वाह वाह क्या अच्छी गेंदबाजी वीट हुए देवाशीष ठाकुर। और इसके साथ चौथे विकेट का हुआ है पतन एसजेडी के। अब बची हुई 11 गेंदे में 26 रनों का एक विशाल लक्ष्य को पूरा करना होगा। देखते हैं अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं जो कि सामना करेंगे विवेक सोनी का। शूटर के गेंदबाजों को काफी नियंत्रित गेंदबाजी करनी होगी, वहीं कुछ अच्छे प्रहार करने होंगे एसजेडी को जीत के लिए। देखना है सुधांशु किस तरह बल्लेबाजी कर अपनी टीम के लिए सहयोग करते हैं। एक बहुत अच्छी गेंद, लगभग यार्कर लेग की गेंद पैरों में पड़कर फाइन लेग की दिशा में गई। दोनों ही अपने सिरे को परिवर्तित कर एक रन को पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ के पहुंच गया है 107 रन। 4 विकेट के नुकसान पे 10 गेंदे अभी भी फेंकी जानी शेष। इन 10 गेंदों में जीत के लिए एसजेडी को बनाने होंगे 25 रन। विवेक सोनी अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का 9वां ओवर फेंकते हुए बहुत अच्छी गेंद, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइट बॉल का। इसे एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 108 रन। 9वां ओवर है गतिमान। बहुत अच्छी गेंदबाजी तब तक की विवेक सोनी की। काफी उम्दा गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए विवेक सोनी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर जो फिलहाल अली शूटर के पक्ष में जाता दिखाई पड़ता हुआ। बहुत किफायती ओवर साबित हुआ अब तक विवेक सोनी का। 3 गेंदों में सिर्फ अभी 3 रन ही खर्च किए हैं। और एक कमजोर गेंद और सीधे सीमा रेखा के बाहर, सही दिशा दिखाई है सुधांशु ने। और एक बड़ा प्रहार कर अपने टीम के लिए 6 रनों का योगदान दिया है। इस 6 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 115 रन। 4 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर है गतिमान। अब जीत के लिए बनाने होंगे कुल 17 रन। 8 गेंदे अभी फेंकी जानी शेष। बहुत ही रोचक मनोरंजक मुकाबला देखना होगा। इस रोचक मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करती है सुधांशु। एक और अच्छी गेंद, देखना होगा।
अपील है, एम्पायर का क्या डिसीजन आता है, लेकिन एम्पायर अपने फैसले में अडिग देखना होगा, लेग एम्पायर से डिस्कस कर क्या निर्णय लेते हैं। एक अच्छी गेंद थी, कार्ड बिहाइंड की अपील की है, मुख्य एम्पायर ने नकारा। अभी भी एम्पायर का डिसीजन आना बाकी, देखना होगा क्या निर्णय आता है एम्पायर का। एक और मुख्य निर्णायक का सारा आया है आउट का। बल्लेबाज ने रिव्यू की है मांग, देखना है अब यह थर्ड एम्पायर में क्या फैसला आता है। इस रोचक मुकाबले में एक ही बॉल पे दो बार एम्पायर को निर्णय लेना पड़ा और अंततः निर्णय पहुंचा थर्ड एम्पायर के पास। देखना होगा इस रोचक मुकाबले में ऊंट किस करवट बैठता है। सभी की निगाहें थर्ड एम्पायर पर टिकी हुई है, देखना होगा क्या निर्णय लेते हैं थर्ड एम्पायर।
थर्ड एम्पायर का डिसीजन आया एसजेडी के फेवर में और नॉट आउट करार दिया है सुधांशु को। इस तरह एक बहुत राहत की सांस एसजेडी के खेमे में, क्योंकि सुधांशु काफी लंबे प्रहार करते हैं और कुल 17 गेंदे ही 17 रन ही आने बाकी हैं। और अगली ही गेंद में वापस चलता किया है विवेक सोनी ने सुधांशु को। मैच का यह अंतिम ओवर, अभी भी 17 रन बनाने होंगे जीत के लिए एसजेडी राइडर को। देखना होगा आखिरी ओवर पे किस बॉलर पे, किस गेंदबाज पे भरोसा दिखाते हैं कप्तान हैली शूटर के। आखिरी ओवर में एसजेडी के कप्तान ने विश्वास जताया है अपने गेंदबाज मोहित पर। देखना होगा सचिदानंद इस ओवर का कैसे फायदा उठाते हैं। अब तक काफी अच्छी बल्लेबाजी की है सचिदानंद ने। नए बल्लेबाज आए हैं ऋषि। ऋषि रन लेना चाहते थे, रोका सचिदानंद ने। सचिदानंद सेट बल्लेबाज हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी की है अब तक सचिदानंद ने। पूरी निगाह है एसजेडी की सचिदानंद पर। मोहित का सामना करेंगे सचिदानंद। और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। सचिदानंद अपने टीम के लिए भरपूर संघर्ष करते हुए, अभी भी 4 गेंदे फेंकी जानी है शेष और मात्र 11 रनों की आवश्यकता। इन 4 गेंदों में 2 लंबे प्रहार की आवश्यकता है। सचिदानंद है तो मुमकिन है, देखना है सचिदानंद क्या करते हैं अपने टीम के लिए। बहुत खराब गेंद, सही दिशा दिखाई है और इस 6 के साथ खुशी की लहर एसजेडी के खेमे में। एक बहुत उम्दा पारी का नजारा दिखाते हुए सचिदानंद अकेले पूरे मैच को अंत तक लेके आए हैं और अब मात्र 5 रनों से दूर है एसजेडी जीत के लिए। आखिरी गेंद तक निश्चित ही सचिदानंद अगर खड़े रहेंगे तो एसजेडी की यह जीत मुमकिन। देखना होगा अगली 3 गेंदों में किस तरह सामना करते हैं सचिदानंद मोहित का। 3 गेंदों में 5 रन की आवश्यकता जीत के लिए। और गेंद है हवा में,
देखना होगा। और एक और मिसफील्ड कैच छूटा है और भाग कर दो रन पूरे किए हैं सचिदानंद ने। इस दो रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 129। आखिरी दो गेंदों में तीन रनों की है हो सकता, काफी रोमांच से भरा हुआ है मैच और सचिदानंद को मिलने वाला यह दूसरा जीवन दान काफी आसान कैच था। लेकिन अब कोई मौका नहीं, सीधे बाउंड्री लेकर के बाहर और जीत दिलाई है। एक शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया है सचिदानंद ने। 29 गेंद खेली और बनाए हैं 83 रन एक विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए, जहां उनके साथ ही ओपनर बल्लेबाज जल्द आउट हो गए थे। और इसके साथ यह खुशी, निश्चित ही खुशी की लहर